श्री गुरु नानक देव जी के चरणों से जुड़ने के लिए भाई साहिब गुरप्रीत सिंह जी रिंकू वीर जी द्वारा 24 घंटे हर पल सिमरन और कीर्तन कथा का आनंद पाने के लिए अमृत वेला टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भगत कबीर जी फरमा रहे हैं, ध्यान से सर्व कीजिए। क्या पढ़ी है क्या गुणी है, क्या वेद पुराणा सुनी है। ओ क्या पढ़ी है क्या गुणी है, क्या वेद पुराणा सुनी। पढ़े सुने क्या हो, जो सहज न मिले आसू। हर का नाम ना जपस गवारा, हर का नाम ना जपस गवारा। क्या सोचे बारंबारा, क्या सोचे बारंबार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कबीर जी हम पर टाउट कर रहे हैं, कहते हैं क्या पढ़ी है क्या गुनी है, क्या पढ़ता है क्या सुनता है बैठकर, क्या वेद पुराना सुनिए, पुराणों की कथा सुनता है, वेद शास्त्र सुनता है, वाणी सुनता है। पढ़ने और सुनने से क्या होगा, पढ़े सुने क्या होई, जो सहज न मिलिया सोई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हर का नाम न जपस गवारा, हमें गवार कहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बात को समझने की कोशिश करना, कोई पढ़ा लिखा आदमी हो बहुत, पर हरकतें उसकी हो अनपढ़ जैसी। हम कहते हैं ना पढ़ा लिखा गवार है जी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। के पढ़ लिख कर सीखा क्या है, इतनी पढ़ाई की है पर हरकतें तेरी गवार हो जैसी। हम अक्सर कहते हैं ये पढ़ा लिखा गवार है, क्यों कहते हैं? वही कबीर जी हमें कह रहे हैं कि सुन रहे हैं पढ़ रहे हैं पर नाम फिर भी नहीं जप रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। रोज सुनते हैं कि जपेंगे श्वासों के साथ, रोज सुनते हैं कि 40 माला मूल मंत्र 13 माला मूल मंत्र, पर कर नहीं रहे। तो कबीर जी कहते हैं क्यों झक मार रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या सोचे बारंबार है, क्या सोचता रहता है, जपता क्यों नहीं। कबीर जी गुस्से से कह रहे हैं एक तरह से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारी हालत पता है कैसी, मुझे यहाँ पे दृष्टांत याद आ गया। एक दुकान है, एक इलाके में एक दुकान है, पिता बैठा है, बेटा भी बैठता है दुकान पे। वहां पे संत आए सत्संग करने के लिए, सत्संग हो रहा है। पिता कहते बेटा मैं सत्संग में जा रहा हूं, तू दुकान संभाल लेना। बेटा कहता ठीक है पिताजी, तो सत्संग पे चला जाता है। रोज यही होता है, कितने दिनों तक सत्संग चल रहा है। शाम के टाइम पिता दुकान बेटे के हवाले करके सत्संग में चला जाता है। बड़ी अच्छी बात है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक दिन कोई ऐसा आदमी आ गया जो कहने लगा पिताजी से बहुत जरूरी काम है। तो ये लड़का सत्संग में पिताजी को लेने चला गया और पिताजी को ढूंढते हुए उसने थोड़ा सा सक्सेस सुन लिया। सत्संग में संत कह रहे थे भाई दया करनी चाहिए पशुओं पर, गाय को खिलाना चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सब पशुओं को खिलाना चाहिए, गाय की भी सेवा करनी चाहिए। वो सब ये बातें उसने सुनी, पिताजी को लेके गया। पिताजी ने वो आदमी से मिले चले गए। अगले दिन भी ये पिताजी सत्संग पे गए, ये बैठा है दुकान पर। दुकान पर बाहर सामान पड़ा, किराने की दुकान है, गाय आ गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो बाहर गेहूं की गोनी में से गेहूं खा रही है, इसने नहीं हटाया क्योंकि संतों ने कहा था कि गाय की सेवा करनी चाहिए, भूख लगी होगी खाने दो थोड़ा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पिताजी सत्संग से आ गए, डंडा लेके पीटना शुरू कर दिया, गाय को भगा दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये कहते पिताजी क्या कर रहे हो, कल ही मैंने सुना सत्संग में संत कहते थे गाय को खाने दो, सेवा करनी चाहिए, वो खा रही है गेहूं। वो कह लेगा ऐसे बड़े संत आते हैं सत्संग करने वाले, मैं तो रोज सुनने जाता हूँ, तेरे जैसा बातें मानने लग गया तो बर्बाद हो जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो मानने के लिए थोड़ा होती है बातें, वो सुनने के लिए होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
ये प्रैक्टिकल है, ये ऐसे ही है, हम लोग ऐसे ही सोच के आते हैं, सुनेंगे बड़ा आनंद आता है यार। जे बोलिए धन गुरु नानक, जैसे वो वैसे हम। और यही बात सुथरे ने भी हमें समझाई थी, भाई सुथरा जी ऐतिहासिक घटना है, सत्संग चालू हरमंदर साहब में, गुरु साहब जी बैठे हैं, संगत बैठी है, हरमंदर साहब में गोल्डन टेम्पल, हरमंदर साहब में सत्संग चालू है, गुरु साहब जी विराजमान है, प्रतख बैठी है, संगत बैठी है, सुथरा आता है भाई सुथरा, जोर जोर से संगत को गालियां देनी शुरू करता है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, बुरा भला कह के कहना शुरू करता है, संगत गुस्से में आ जाती है कि संगत में आके गालियां दे रहा है ये, इसको तो छोड़ना नहीं है, संगत उसे पकड़ने भागती पर वो भाग जाता है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कुछ दिनों बाद आता है, संगत पकड़ लेती है उसे, गुरु साहब जी के सामने हाजिर करती है, इसने उस दिन गालियां दी थी, इसे सजा दो, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु साहब जी मुस्कुरा के कहते सुथरे ये क्या कह रहे हैं सब लोग, कहने लगे मैं इनका गुरु हूँ, इन्हें गालियां दूँ जो मर्जी दूँ, मेरी मर्जी। गुरु साहब जी कहने लगे तू कब से इनका गुरु हो गया, कहने लगा मैं ही गुरु हूँ, मैं साबित कर दूंगा। गुरु साहब जी कहने लगे साबित कर, तो संगत से पूछता है मैंने कौन कौन सी गालियां दी थी, सब ने बताया ये बोला था, ये गाली दी थी, ये गाली दी थी। अब सुथरा पूछता है उस वक्त जब मैंने गालियां दी थी शब्द कौन सा चल रहा था कीर्तन में, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जो कीर्तन या कीर्तन कर रहे थे शब्द कौन सा चल रहा था, गुरु साहब जी कथा कर रहे थे वो प्रकरण कौन सा था, क्या बात कह रहे थे गुरु साहब जी, चुप चुप, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब सुथरा पूछता है बताओ गुरु वो जिसकी बात याद रखी जाए या वो जिसकी भूली जाए, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इन्हें मेरी गालियां याद है आपके प्रवचन नहीं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु साहब जी ने सुथरे को गले से लगाया और संगत को समझाया, ये हमें समझा रहा है कि संगत करते कैसे हैं, हम भी बैठे हैं संगत में, जो सुन रहे हैं गुरु नानक मेर करे अंदर बस जाए, उस पर चलें प्रैक्टिकली। रोज ये बात आती है जब तक चलेंगे नहीं पढ़े सुने क्या होई, कबीर जी कह रहे हैं जो सहज न मिलिया सोई, हर का नाम न जपस गवारा क्या सोचे बारम्बार, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर अमृत वेले उठने के बाद नित्यनेम नहीं बढ़ा, अमृत वेले उठने के बाद हमारा नित्यनेम नहीं बढ़ा, गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं बढ़ी, प्रेम नहीं बढ़ा, गवा रहे हम, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु। श्री गुरु नानक देव जी के चरणों से जुड़ने के लिए भाई साहिब गुरप्रीत सिंह जी रिंकू वीर जी द्वारा 24 घंटे हर पल सिमरन और कीर्तन कथा का आनंद पाने के लिए अमृत वेला टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें।